यश की केजीएफ चैप्टर 2 ने कैसे अजय देवगन और अक्षय कुमार को धूल चटा दिया है, पूरे कर्नाटक को न्योता क्यों यश ने दिया था, केजीएफ चैप्टर 2 भारत की सबसे बड़ी फिल्म कैसे बनने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। यश की केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज का फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार। जब केजीएफ की सीक्वल की घोषणा हुई तब इंटरनेट पर तहलका मच गया। अब हाल ही में एक लीडिंग ट्रैकिंग पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म केजीएफ का डब वर्जन है। यश की फिल्म केजीएफ ने अपने रिलीज के बाद से पूरे भारत में के बीच तहलका मचा दिया था। केजीएफ हिंदी सर्किट में भी सुपरहिट साबित हुई थी। पोर्टल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये अपडेट दिया है। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक का कोलार जिला सोने की खदानों के लिए जाना जाता और इन्हीं खदानों के आसपास केजीएफ की कहानी को बुना गया है। इसके विषय में अंडरवर्ल्ड को भी शामिल किया गया है। केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे, साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ को मारने की कहानी दिखाई गई, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। केजीएफ महज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए की कमाई की। यश बड़े पर्दे पर अपने काम के दौरान जितने सहज नजर आते हैं वो अपनी रियल लाइफ में उतने ही नेक दिल हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी ही है। कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल नंदा गोकुल से की थी। यश का फिल्मी करियर 12 साल का है और उन्होंने अब तक 18 फिल्मों में काम किया है। यश के पास 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और वो 3 करोड़ के बंगले के मालिक हैं। कम ही लोग यह बात जानते हैं कि एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए फीस लेने वाले यश के पिता आज भी बस चलाते हैं। दरअसल उनके पिता का मानना है कि वो इसी नौकरी के चलते अपने बेटे को इतना बड़ा बना पाए हैं, इसीलिए वो ये काम नहीं छोड़ेंगे। यश की प्रेम कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्ट्रेस राधिका पंडित से लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात नंदा गोकुल के सेट पर हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की एक बेटी है। कहा जाता है कि यश ने अपनी शादी की रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को इनवाइट किया था। साल 2017 में यश और राधिका ने मिलकर यश मार्ग फाउंडेशन शुरू किया। ये संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। इस संस्था ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके झीले बनाई है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। जिस प्रकार से केजीएफ चैप्टर 2 की चर्चा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं।